नमस्कार, मैं शिवशंकर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा टॉपिक है सोयल या मृदा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसमें अपन को क्या करना होगा कि सबसे पहले जानना होगा कि सोयल या मृदा क्या होती है और इसके विज्ञान को, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका निर्माण किस तरीके से होता है, इनका वितरण किस तरीके से है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। कई सारे क्वेश्चन कई तरीक़ों से इसमें बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा कार्बनिक मिश्रण कणों को मृदा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है ये। वैसे कहा जाए तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, एक प्राकृतिक चीज़ है ये, एक जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। और जैसे मृदा के नीचे मिट्टी हटा के देखते हैं, अपन इस मृदा को हटा के देखते हैं तो वहाँ रॉक्स या चट्टाने मिलेंगे। और मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं। और सामान्य भाषा में कहें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के कणों को ही सोयल कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सोयल क्लासिफिकेशन या मृदा वर्गीकरण। और मुख्यतः अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामों में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इसी जगह से मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। और इसको जब डिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे तो एक मैप के द्वारा भी बताना पड़ेगा। हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा सोइल का चैप्टर नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दो वीडियो में इसको कर लेंगे, लेकिन इशू यह है कि आपके समझ में आना चाहिए। देखिए मूलतः मृदा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, क्षेत्रीय मृदा और अक्षेत्रीय मृदा, जोनल और अजोनल। इसका सिंपल सा डिफरेंस ये है कि कोई मृदा वहाँ के ही प्राकृतिक तत्वों, कणों या कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से स्थानीय कारणों से बनी हो। दूसरा है कि जिस मृदा का निर्माण बाहर से आए हुए या परिवहन किए हुए पदार्थों से होता है, जैसे कि अक्षेत्रीय मृदा में जलोढ़ मृदा है या लोयस मृदा है। जलोढ़ मृदा में नदी अपरदन के कारकों को लाके निक्षेप को कहीं दूसरी जगह बहा के ले जाती है और वहाँ जाके जमा करती है, तो वो जो मृदा होती है वो कहलाती है जलोढ़ मृदा। तो क्या हुआ जलोढ़ मृदा में, वो जो मृदा का निर्माण हुआ उसके निर्माण कारक पदार्थ कहीं दूसरी जगह से आए, इसीलिए इसको कहते हैं अक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पेडाल्फर और पेडोकॉल। पेडाल्फर जनरली क्या होता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें 63 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और पेडोकॉल मृदा मतलब 63 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ये नीचे देखिएगा कि पेडाल्फर के प्रकार हैं पोडजोल, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, चरनोजम, ठुंड्रा मृदा, और पेडोकल के हैं प्रेरी, चेस्टनट, सेरोजम और मरुस्थलीय मृदा। अब लेते हैं सबसे पहले पोडजोल मृदा। पोडजोल मृदा क्या है कि मुख्यतः तो ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कोणधारी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और अम्लीय होती है और खेती के लिए ये उपयोगी नहीं होती क्योंकि फर्टाइल नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है। सेकंड है लाल पीली मृदा, ये उष्णकटिबंधीय उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता वाले प्रदेशों में पाई जाती है, और इसका लाल रंग होने का कारण है लोहे की उपस्थिति या लोहे के ऑक्साइडों के कारण ही इसका रंग लाल होता है। कैल्शियम की मात्रा कम होती है और अम्लीयता इसमें ज़्यादा होती है, और मुख्यतः तंबाकू के उत्पादन के लिए काम में लाई जाती है, और चीड़ के जो वृक्ष मिलते हैं वो इसी प्रकार की मृदा में
मिलते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का मैं पहले आपको बता दूं कि ये ऐसे स्थानों पर मिलती है जहां पर बरसात अधिक होती है और उष्णाद्र प्रदेश होते हैं जैसे भूमध्यरेखीय प्रदेश। तो देखिए लाइन स्टार्ट ऐसे हो रही है कि ये भूमध्यरेखीय सवाना उष्ण हिमाद्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है और लोहे एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों के निक्षेप पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि लेटराइट मृदा में कौन कौन से तत्वों की सर्वाधिकता होती है, तो उसमें आ जाएगा लोहे और एल्यूमिनियम। कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जो मुख्य पदार्थ होते हैं उर्वरक पदार्थ वो लीचिंग कर जाते हैं या बह जाते हैं। और कठोर लकड़ी वाली एवं कांटेदार वनस्पति इसमें पाई जाती है जैसे कि जायरे बेसिन, अमेजन बेसिन एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्यतः। नेक्स्ट है चरनोजम या काली मृदा। ये सेमी टेम्परेट या समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, ना तो ठंडे और ना गर्म क्षेत्रों में। ह्यूमस एवं कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक होती है और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे कि रूस का स्टेपी, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, अर्जेंटीना का पंपास, अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्रों में चरनोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है टुंडा मृदा। टुंडा का इससे अर्थ से पता चल रहा है कि ये बहुत ही कोल्ड एरिया में पाई जाती है, टुंडा प्रदेशों में पाई जाएगी। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर लाइकेन एवं मॉस जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रेरी मृदा। ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है और मक्का की फसल के लिए मुख्यतः उपयोगी होती है और चूने का अंश कम होता है। ये मुख्यतः पूर्वी यूरोप एवं यूएसए के शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है चेस्टनट। ये महाद्वीपों के अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है और घास के मैदानों के भागों में पाई जाती है। ये चेस्टनट चरनोजम और ये प्रेरी, एक प्रेरी और चेस्टनट में थोड़ी सी समानता है। सरोजम समृद्धा ये कैस्पियन सागर के पूर्वी रूस के दक्षिणी भाग एवं अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है एवं पोषक तत्वों की दृष्टि से धनी होती है तथा इसमें गेहूं व कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त होती है।